हम लोगों ने जस्ट चित्रदुर्गा क्रॉस किया है और दावणगेरे पहुंचने से पहले यहाँ हमने ब्रेक लेने का सोचा। अपूर्वा रिजॉर्ट करके एक अच्छी जगह है और काफ़ी भीड़ लग रही है इस रिजॉर्ट में। यहाँ का बेने डोसा बहुत फेमस है, तो अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह के 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, हमें ट्रैवल करते करते 3 घंटे हो चुके हैं। टुमकुर में काफ़ी ट्रैफिक मिला था, तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको अपडेट देती हूँ कैसे चलता है, लेट्स सी। एक चीज़ शेयर करूँगी आप सबके साथ, बैंगलोर से लेकर अब तक हमें कोई भी ऐसी अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पर आराम से आप थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर सके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं उस साइड जाने का, तो गूगल मैप्स पर आपको बहुत क्लियरली अपूर्वा रिजॉर्ट दिखता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कंफर्टेबल जगह, आधा घंटा हमने भी ब्रेक लिया, तो आप यहाँ रुकने का प्लान बना सकते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कुडले बीच रिजॉर्ट और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे रूम भी, और सामने का व्यू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बालकनी से आप देख सकते हैं सी का व्यू, ये देखिए। कुडले बीच व्यू रिजॉर्ट का मुझे ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी, एटलीस्ट इन लोगों ने आयरन ड्रायर और ये लॉकर के साथ लॉन्ड्री बैग्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, और एक यहाँ स्लीपर्स भी रखे हुए हैं। समझ नहीं आया ये वेइंग मशीन क्यों रखी है, मे बी यहाँ इतना चलना पड़ रहा है हम सब लोगों के, इतना हो रहा है कि मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपना वेट लूज़ करते होंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ वेइंग मशीन भी रख दी है। सुबह का एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली होता ही बहुत अच्छा है, इतना सुंदर यहाँ का माहौल है, और मेरा मूड तो पूरा है योगा, एक थोड़ा सा आसन करने का। मैं अपना योगा मैट लाई नहीं, लेकिन मैं काफ़ी देर से उठी हुई हूँ जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, और घूम चुकी हूँ अच्छा खासा, वॉकिंग भी कर ली मैंने तो, लेकिन जस्ट मुझे लगा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। पंछियों की भी इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत ही ग्रीन एरिया है, ऊटी भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ आज संडे है, काफ़ी लोग निकल जाएंगे, हमारा निकलने का प्लान मंडे को है, और गोवा में भी बहुत रश होता है। गोवा के बीचेस आप कभी भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत रश मिलेगा। हम लोग यहाँ से आगे कारवार भी है, कारवार अगर कोई जाना चाहता है, कारवार में भी बहुत जंगल लॉजेस का बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, तो वो पूरा सी के अंदर है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वो भी क्राउडेड नहीं रहता। यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी, बाहर कार्स पार्क्ड हैं, लेकिन कितने लोग हैं वी कैन नॉट मेक इट आउट। तो अभी सीढ़ियाँ उतर के हमारा रूम नीचे, इन रूम्स में है हमारा रूम। कुछ कुछ मुझे शिमला जैसा भी लगता है बीच में। ये है इनका रिसेप्शन, रिसेप्शन का व्यू। अभी हम चलेंगे, काफ़ी लोग नहीं आए हैं, मैं बहुत सुबह ही वीडियो बना रही हूँ। ये एरिया है रिसेप्शन एरिया, और अभी हम चलेंगे डाइनिंग एरिया की ओर। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं इधर। तो ये देखिए, ये हिल व्यू, सॉरी हिल व्यू नहीं, सी व्यू, सॉरी। तो यहाँ से बहुत अच्छा सीन दिखाई देता है, और बुकिंग के टाइम भी हमने सबसे ज़्यादा यही चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी। और जैसे ही आप गूगल पर सर्च करना शुरू करते हैं, आपको सामने वाला वो जो रॉकी सा हिल दिखाई देता है, सबसे पहले ये दिखाई देता है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, और गोकर्णा ट्रैकिंग के लिए तो बहुत फेमस है ही है।
और ये जो है हमारा सनराइज़ हो गया है और कुडले बीच वेस्ट कोच वेस्ट साइड पर आता है। ये इधर हमारा सूर्य नमस्कार करने का दिल कर रहा है मेरा अभी। ये नीचे का मैंने रात का वीडियो भी बनाया है, रात को सारी लाइट्स ऑन रहती हैं, है तो बहुत स्पेशियस, लेकिन अंदर आने के बाद भी हमें लिफ्ट है, यहाँ लिफ्ट में दिक्कत नहीं हुई इतनी, थोड़ी देर लिफ्ट की मेंटेनेंस चल रही थी तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, नहीं तो आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं क्योंकि हमें नीचे जाना पड़ा था। इन्होंने ऐसे बनाया हुआ ऊपर से नीचे, काफ़ी बार जब हम गूगल से देखते हैं तो समझ नहीं आता। खाना तो अच्छा था डेफिनेटली। और ये है, जो मैंने गूगल पर जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो गोकर्णा बीच को ग्लोइंग बीच बोला जाता है। तो जब हम यहाँ खाना खा रहे थे तो बहुत मैंने ट्राई किया देखने के लिए कि बीच ग्लो कर रहा है कि नहीं, मुझे तो कोई ग्लोइंग बीच नज़र आया नहीं, लेकिन जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग इस बीच में मरीन लाइफ ऐसी है जिसमें बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं प्रोटिस्टा फैमिली में, यूकैरियोट्स होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी वजह से जो सी वेव्स हैं वो ग्लो करना शुरू कर देती हैं। तो ये कुछ कर्नाटका और केरला में ऐसे बीचेस हैं जिनको ग्लोइंग बीचेस बोला जाता है और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं इन्हें देखने के लिए। हमने खाना खाते टाइम बहुत ट्राई किया, कुछ लाइट्स आ तो रही थी लेकिन जो आसपास के रेस्टोरेंट हैं उसके पास में से लाइट आ रही थी, मुझे लगा नहीं कि सी ग्लो कर रहा था। और कल क्योंकि फुल मून डे भी था तो वाटर वेव्स हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही थी लेकिन उसमें कुछ भी लाइट नहीं थी। हम लोग रुके हुए हैं कुडले बीच व्यू रिजॉर्ट पर और ये रिजॉर्ट से कुडले बीच काफ़ी पास है, लेकिन जब आप बुकिंग करेंगे आपको दिखाया जाएगा, या फिर जो हमने सोचा कि ये एक बीच रिजॉर्ट है, ये हमारी गलती है, ये बीच रिजॉर्ट नहीं है, एक्चुअली ये बीच व्यू रिजॉर्ट है। तो हमारी बालकनी से भी सी दिख रहा है, डाइनिंग एरिया से भी सी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से सी वॉकेबल उनके लिए ईजी है जो यंग पीपल हैं। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या फिर बच्चे छोटे हैं, अगर आपको बच्चे को उठा के लेके जाना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल भी ठीक चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से, मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको रिजॉर्ट से निकलने के बाद एटलीस्ट 7-8 मिनट जाने में लगते हैं जहाँ से रास्ता शुरू होता है और फिर नीचे जाना है जहाँ पर मिट्टी वाले रास्ते से, कच्चे रास्ते से नीचे जाकर बीच का एरिया है। तो जिनको ट्रैकिंग पसंद है और जो यंग लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, कोई प्रेग्नेंट है ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एक चीज़ और है, ये जो रोड्स हैं, मोस्ट ऑफ द रोड्स जो वो रोड्स भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ बाहर ऑटो रहते रहे हमेशा, जो अच्छी बात है क्योंकि गोकर्णा सिटी के अंदर कार लेके जाना इजीली पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइट एरिया रहता है, मेन टेंपल एरिया भी बहुत, वो जो चौक है वो बहुत टाइट है, तो यहाँ से आपको ईजिली ऑटोज़ मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल के लेफ्ट टर्न लेंगे, रिजॉर्ट से निकलते ही बहुत सारे ऑटोज़ हैं, वो 100 रुपीज़ लेते हैं और 100 रुपीज़ में आप सिटी सेंटर में महाबलेश्वर टेम्पल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप वहाँ से वापस आने के लिए आपको ऑटो मिलेगा, वो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि कोई भी रोड लाइट नहीं है। अब जैसे कुडले बीच रिजॉर्ट सिटी से वापस आते हैं तो आपको ऑटो वाले को पूछना पड़ेगा और बहुत टाइट टाइट एरियाज हैं, रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही आप, ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, कुछ लोग राइट भी ले रहे हैं, राइट से बाहर निकलने का रास्ता है। आप देखिए ये कितना जंगल टाइप का एरिया है, वैसे तो सारी जगह ही बहुत अच्छी ग्रीनरी है लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी रोड लाइट नहीं मिली। ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी क्योंकि गोकर्णा में एंटर होते ही, जैसे ही गोकर्णा का रास्ता शुरू होता है, 15-20 किलोमीटर से गायें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कम से कम कल के दिन में 1000 गायें दिखी होंगी, हर जगह गायें ही गायें मिलती हैं और वो ओपनली रहती हैं। इधर खुले में अभी बहुत सुबह का टाइम है, यहाँ गायें नहीं दिख रही हैं, लेकिन इस
एरिया में 10-15 गायें अभी आकर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लोग डरते हैं वो थोड़ा सा केयरफुल रहे। और ये देखिए, ये रास्ता ऐसे जाएगा सीधा, और इसमें कुडले हिल टॉप आता है सीधा जाके, और आपको बीच जाने के लिए नीचे जाना है। तो नीचे जाते जाते आपको 15 मिनट आराम से लगेंगे, और इतना भी मुश्किल नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं। बस थोड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनको चलने में प्रॉब्लम है। अभी भी हम रास्ते में ही हैं, पहुंचे नहीं हैं। और एक बात और है कि ये जाते टाइम बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जब वापस आते हैं गीले कपड़ों में, हमारा वेट ऑलरेडी बढ़ जाता है गीले कपड़े होने की वजह से, तो चढ़ना मुश्किल लगता है थोड़ा। मेरा तो अच्छा सांस चढ़ा, मैं ऐसे झूठी बात नहीं करूँगी। तो मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा, कल बच्चे भी थक गए थे ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो आज देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। ये अगर आप बाई चांस कुछ कपड़े लाना भूल गए इसके लिए, बीच के लिए, तो यहाँ ना कुडले बीच आने से पहले एक छोटी सी दुकान है, यहाँ बहुत अच्छी स्लीवलेस टी शर्ट्स और बरमूडास मिलते हैं। और ये देखिए कुडले बीच। और बड़ी हैरानी की बात है, कल मेरा इतना मूड था इन सब पत्थरों पर चढ़ने का, यहाँ तक पानी नहीं था। ये जो रेड कलर का फ्लैग दिखा रही हूँ ना आपको, ये फ्लैग से पीछे ही था पानी। तो मैंने सोचा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो इन पत्थरों के ऊपर ही चढ़ने का प्लान था, फोटोज खींचने का प्लान था, लेकिन आज पानी यहाँ तक आ गया है। और कल एक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर विसल बजा बजा कर हमें बोल रहे थे पीछे होने के लिए, या बाकी लोगों को भी बोल रहे थे। काफ़ी लोग आगे जा रहे थे, हम तो ज़्यादा आगे गए नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने ये रेड फ्लैग यहाँ लगा रखा है, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। और उन्होंने बोला था कि ये बहुत डेंजरस जोन है। तो अब ट्राई करते हैं दूसरी तरफ जाने का, पत्थर तक तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। बहुत ही अच्छा व्यू है। चलिए मिलवाते हैं आपको एक छोटे से नन्हे से फ्रेंड के साथ। ये भी कुडले बीच को एंजॉय करने आया हुआ है। और अरे इसको तो मैं बड़ी अच्छी लगी, ये मेरे पास आ रहा है। बहुत ही प्यारा किचन है। ये देखिए कुडले बीच का नजारा, बहुत कम भीड़ वाला बीच, बहुत मजा आ रहा है। पॉकेट्स मेरी पूरी सैंड से भर चुकी है, और पूरा ग्रीनरी, माउंटेन, क्लियर वाटर, और ये गोल्डन सैंड मैंने गूगल पर देखा था, सच में गोल्डन कलर की सैंड है। और पानी भी देखिए कितना, बिल्कुल गंदा पानी नहीं है, बहुत ही अच्छा। बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी हैं इधर। राफ्टिंग वगैरह सब कुछ है। ये सारी वाटर स्पोर्ट्स हैं अवेलेबल, ये देखिए। और नीचे आने के बाद भी अगर किसी को कुछ शॉपिंग करनी है तो प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर कन्नड़ा इधर हैं। मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने सारी शॉपिंग टेंपल वाली जगह से की थी, तो वो टाइट बाज़ार है, वहाँ बहुत वैरायटी थी, बहुत अच्छी कॉटन की चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने सारी शॉपिंग उधर से ही की है। यहाँ एक ही स्टोर है, अगर आप कुछ नहीं भी लेके आते तो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। एक बात तो है, गोकर्णा में आपको चलना बहुत पड़ता है। कुडले बीच से ओम बीच जाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम जाते टाइम ऑटो से गए, हमें पता नहीं था, और काफ़ी रोड ख़राब थी। थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसा आता है जहां बहुत अच्छी रोड बनी होती है। तो ये देखिए, ये जो रास्ता है, इस तरह का रास्ता, ये ओम बीच और कुडले बीच को कनेक्ट करता है। तो आप ऑटो वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एंड से दूसरे एंड अंदर से चल कर जा सकते हैं। और डेफिनेटली ओम बीच पर भीड़ ज़्यादा थी। ये जो बोट्स वाली मेरी फोटोज हैं, ये ओम बीच की फोटोज हैं। हम लोग वहां नमस्ते कैफे में रुके थे थोड़ी देर।
सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। हम ओम बीच से कुडले बीच पैदल आए और आपको क्लियर कर दूं कि दोनों बीचेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप एक एंड से दूसरे एंड आराम से जा सकते हैं। ये शाम के 7 बजे का सीन है कुडले बीच पर, लेकिन ओम बीच से हमें काफ़ी अच्छा कुडले बीच ही लगा, बहुत शांत, भीड़ भाड़ से दूर। और आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो रिजॉर्ट है यहाँ से दिख रहा है वो सामने। थोड़ा चलना तो पड़ा लेकिन बहुत मज़ा आया। हम लोगों को काफ़ी अंधेरा हो गया था सनसेट के चक्कर में, और ये देखिए ऐसी हालत थी जब हम कुडले बीच से वापस अपने कुडले बीच व्यू रिज़ॉर्ट जा रहे थे। रास्ते में हमें कोई भी लाइट नहीं मिली। लकीली हमारे मोबाइल्स जो थे वो चार्ज थे, हमने मोबाइल की लाइट से ही मैनेज किया। और ये देखिए इस तरह की हालत थी, नॉट इवन अ सिंगल लाइट। तो हमारे साथ एक और कपल था, एक अंकल आंटी थे, उनको तो चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और धीरे धीरे हम कैसे भी मैनेज करके पहुँचे। फिर मिलेंगे।